कक्षा पांचवी पाठ 16 श्रवण कुमार। बच्चों, आपने श्रवण कुमार का नाम अवश्य सुना होगा। वह बहुत आज्ञाकारी बालक था। उसके माता पिता अंधे थे, वही उनका एकमात्र सहारा भी था। वह अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करता था। एक बार श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। उन दिनों उसके पास उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने सोच विचार कर एक तरकीब निकाली। उसने लकड़ी की एक भंगी बनाई, उसमें अपने माता पिता को बिठाया और उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। भिन्न भिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए वे एक दिन सरयू नदी के तट पर पहुंचे। एक रात वह अपने माता पिता की सेवा में लीन था तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। वह बोला, पास ही नदी बह रही है, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता। जल का पात्र उठाकर वह जल लेने चला गया। उस समय अयोध्या का राजा दशरथ जंगली जानवरों के शिकार के लिए निकला हुआ था। जब श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी में जल भरने के लिए डुबोया तो पानी भरने की आवाज हुई, जिसे सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आया है। उसने आवाज की दिशा में अपने धनुष से एक बाण छोड़ा जो श्रवण के सीने में जा लगा। उसने जोर से चीख मारी। राजा दशरथ को जब मनुष्य की चीख सुनाई दी तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। श्रवण कुमार को अपने बाण से घायल हुआ देख वह बहुत दुखी हुआ। तो यह मैंने क्या कर डाला? मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है। श्रवण कुमार के प्राण निकलते जा रहे थे। उसे मरते वक्त भी केवल अपने माता पिता की ही चिंता थी। उसने दशरथ से कहा, राजन, मुझे आपने अनजाने में घायल कर दिया है। मैं तो यहाँ अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वे एक पेड़ के नीचे बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे बहुत प्यासे हैं। आप उन्हें जल ले जाकर पिला दीजिए। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। धन्य है श्रवण कुमार, जिसे मरते वक्त भी अपने माता पिता का ध्यान था। वह जिया तो अपने माता पिता के लिए, और मरा तो भी अपने माता पिता के।